नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, आपका अपने चल जी फाप खेती में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं आप, मक्का के खेत में मैं खड़ा हूं। अब एक बात बताना चाहेंगे किसान भाइयों, जब हम मक्का की खेती करते हैं तो उसमें मेन हमारी चीज है कि भुट्टा। भुट्टा ही भरपूर नहीं रहेगा या पूरा दाना भरा ही नहीं रहेगा तो मक्का की खेती करने से क्या फायदा। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि हमें बेसल डोज कौन सा देना है जिससे कि हमारा भुट्टा अच्छा वजनदार मिले और पूरा दाना भरा हुआ भुट्टा हमें मिलेगा। मक्का बो दी है, शुरुआत के 15 दिन हो गए, वहां पे हमें पहली बार में यूरिया ले लेना है। वो लेना है प्रति एक एकड़ 40 किलो के हिसाब से। अब उसके पश्चात हम मिट्टी चढ़ा रहे हैं हमारी फसल में, मक्का पे मतलब मिट्टी चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वही खाद जो मैं आपको डोज बताने जा रहा हूँ वो हमें मिट्टी चढ़ाने के जस्ट आगे आगे देना है, जिससे क्या होगा कि वो खाद मिट्टी में दब जाएगा और वहां पे नमी में बना हुआ रहेगा। अब अगर जो हम खाद मिट्टी चढ़ाने के बाद दे देते तो समस्या क्या आती है, थोड़ा यहाँ पास में दिखाइएगा, ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हमने मिट्टी चढ़ा दी है। अब खाद यदि हमने यहाँ पे डाल दिया है, अब इसकी जड़ की बात करूंगा मैं तो जड़ कहाँ रह गई है, यहाँ पे काफी नीचे रह चुकी है, अब वो खाद लगेगा नहीं आसानी से, यहाँ ऊपर का ऊपर काफी दिन तक बना रहेगा और धूप की वजह से वही खाद खराब हो जाएगा। अब ये खाद यहाँ आप नीचे दे देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ जाती है कुछ इस प्रकार से, तो खाद जमीन में भी दबा रहेगा, नमी आ जाएगी तो ये पौधा आसानी से खाद ले लेगा और वो खाद आपका ऊपर रहने के बजाय नीचे रह रहा है तो वो खाद कम से कम आपको 50% आपकी फसल को ज्यादा लगेगा। किसान भाइयों, जो बेसल डोज है ये 25 दिन से 35 दिन के बीच में हमें दे देना चाहिए। तो खाद कुछ इस प्रकार है, सबसे पहले हमें देना है एनपीके 12-32-16, वो लेना है 32 किलो प्रति एक एकड़। इसमें मिलाना है हमें यूरिया, वो भी लेना है 32 से 35 किलो प्रति एक एकड़। इसमें हमें डाल देना है पोटाश एमओपी, वो लेना है 20 किलो से 25 किलो प्रति एक एकड़। इन तीनों का मिक्सचर करके आपको हर एक पौधों में देना। अच्छा, इसके साथ में एक खाद और मिला सकते हैं आप, सागरिका नाम से आता है, इफको कंपनी का रहेगा, वो भी आप 4 किलो से 5 किलो प्रति एक एकड़ इसी खाद में मिक्स करके आसानी से दे सकते हैं। किसान भाई, यहाँ पर यदि आप सागरिका नहीं डाल रहे हैं तो इसी में हमें जाइम मार्केट में किसी भी कंपनी का मिल जाएगा और उसी के साथ में आप हुमिक एसिड 25% वाला ले ले, वो नहीं ले रहे हैं तो आप वहां पे 80% वाला ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं। 80% वाला ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं तो प्रति एक एकड़ आपको 300 से 350 ग्राम लेना है, और वही ह्यूमिक एसिड यदि आप 25% वाला ले रहे हैं तो वो हमें 4 किलो से 5 किलो प्रति एकड़ लेना है, एक एकड़ लेना है, और जाइम भी 4 किलो से 5 किलो प्रति एक एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा मैंने जो खाद बताया है इसको आप प्रति पौधे के पास में एक एक जगह देते जाइए। अब किसान भाई, खाद देने के बाद कोशिश कीजिए कि पानी यहाँ पर इसको जल्द से जल्द मिल जाए जिससे वो खाद अपना काम जल्दी चालू कर दे। इसी प्रकार की अच्छी जानकारी के हमारे साथ बने रहे, और आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।